Bibika Dhruve, who won hearts with her stint in the Big Boss OTT2, recently made her first public appearance after the grand finale. The actress interacted with the paparazzi and talked about her journey in the show. मैं यही सोच रही हूँ कि अगर मैं कर सकती हूँ, मुझे जैसे एक अंडरडॉग कर सकती है, तो कोई भी कर सकता है लाइफ में. बस उनको अपने आप में बिलीव करना होगा. तो मेरी इनसिक्योरिटीज दिखती थी, बट अंदर एक सेल्फ बिलीव था और वही आ गया, उभार कर लाया. When asked about Elvis Yadav winning over Abhishek, Bibika reacted. To be honest, जब तक एल्विश नहीं आया था, घर में सब कन्विंस थे कि अभिषेक ही जीतेगा. लेकिन जब एल्विश की एंट्री हुई और मैंने और पूजा मैम ने उससे काफ़ी इंटरेक्ट किया, मुझे तो वो पहली नज़र में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग और एक यू नो जॉयफुल और अच्छी पर्सनालिटी, एक बहुत ही नेक दिल इंसान लगा था मुझे. और एग्जैक्टली और मैंने कभी मेरी उससे कभी ऐसे झड़प या लड़ाई हुई भी नहीं देखा जाए तो. कोई ऐसे डायरेक्ट फाइट या कुछ कुछ भी नहीं था. इट वॉज़ वेरी कॉर्डियल एंड नाइस. और उसका मेरा ह्यूमर भी बहुत अच्छा मिलता था, तो साथ मिलकर हम हंसते खेलते भी ज़्यादा थे. तो इट वॉज़ अ फन टाइम. तो डीप डाउन, और उसकी पर्सनालिटी भी बहुत मैच्योर और अच्छी थी, तो डीप डाउन वो इंट्यूजन आ चुका था कि इस बंदे में विनिंग पोटेंशियल है और ये जीतेगा. तो ऑफ कोर्स बुरा लगता है कि अभिषेक नहीं जीत पाया, क्योंकि उसने अपनी जान लगा दी, अपना 100% दिया. बट कहते हैं ना कि अब जिसका जो पलड़ा भारी है. बिबिका आल्सो शेयर्ड हर टेक ऑन बिग बॉस 17. मुझे नहीं पता कि ऑडियंस चाहेगी मैं आऊँ या ना आऊँ. तो अगर ऑडियंस चाहेगी तो मैं गौर करूँगी, क्योंकि मुझे जनता ने उभारा है. Big Boss OTT2 streamed on the Jio Cinema. INS report. Subscribe to our channel. Just click on the bell icon for all the latest updates.